रायबरेली में मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। यहां जिला भाजपा कार्यालय पर सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुई मुस्लिम महिलाओं ने शुक्रिया मोदी भाईजान के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए जाने का संकल्प लिया। भाजपा जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के नेतृत्व में इकट्ठा हुई महिलाओं ने इस दौरान 3 तलाक, मुफ्त राशन और आवास दिए जाने को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी को अपना हितैषी बताया है। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने कहा, ये कुप्रचार किया जाता है कि भाजपा मुसलमानों से भेदभाव करती है। उन लोगों ने कुप्रचार का जवाब देते हुए कहा कि यदि ऐसा होता तो केंद्र और राज्य की योजनाओं में उनका बराबर से हक ना मिल रहा होता। मुस्लिम महिलाओं ने शुक्रिया मोदी भाईजान का नारा लगाते हुए एक बार फिर मोदी को पीएम बनाए जाने का संकल्प भी लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदीना खान। मदीना खान जी, मदीना खान। अच्छा, आज आप लोग कुछ यहाँ पे नारे लगा रहे थे, शुक्रिया मोदी भाईजान, जी ये क्यों आके यहाँ नारे लगा रही, क्या कारण है? जी, हम सब महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं, हम शुक्रिया भाईजान का नारा लगा रहे हैं। इस वजह से मोदी जी ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और उनका शुक्रिया अदा करने आए हैं हम लोग। क्या क्या किया है? जैसे कि 3 तलाक पे रोक लगाया उन्होंने, और हम लोगों को घर दिया बनाकर, कॉलोनी दी, गैस सिलेंडर दिया, चूल्हा दिया, श्रम कार्ड दिया, फ्री इलाज दिया उन्होंने। और उन्होंने कभी, सबसे बड़ी बात, उन्होंने भेदभाव नहीं रखी मुस्लिम औरतों में, ये मतलब गैर मुस्लिम में और मुस्लिम में कभी उन्होंने भेदभाव नहीं रखी, एक समान सबको समझा। इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी, अब की बार हम लोग जिताएं मोदी को, और भारी से भारी वोटों से हम सब मुस्लिम औरतों का सहयोग है, और शरीफ भाई के वजह से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मोदी जी कह रहे हैं देशवासियों से कि अगर तुम लोग वोट दोगे कांग्रेस को जी, तो वो सब मुसलमानों को दे देंगे जी। तो आपके नाम पे तो वोट मांगा जा रहा है, फिर कैसे आपको लग रहा है कि भेदभाव नहीं करते? बिल्कुल भेदभाव नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ये थोड़ी ना किया कि मुस्लिम को घर मकान ना मिले या गैस सिलेंडर ना मिले। हम लोगों को सबको मिला, गैस सिलेंडर मिला, घर मकान मिला, फ्री इलाज मिला हम लोगों को, राशन भी मिल रहा है फ्री, हम लोगों को शौचालय मिला बना के दिया। तो उन्होंने इस चीज से, महिलाएं सुरक्षित हैं इसमें, उन्होंने किसी चीज पे भेदभाव नहीं रखा। तो आने वाले, इसलिए आने वाले चुनाव में हम चाहते हैं कि मोदी जी ही को वोट मिले, हम लोग जिताएंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे वो। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।